आदाब नमस्कार, प्रबंध न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़ गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। प्राइमरी शिक्षा अधिकारी पद पर विठल भुसारे। जिला परिषद के तहत प्राइमरी शिक्षा अधिकारी के तौर पर स्कूली शिक्षा और खेल विभाग ने विठल भुसारे इनकी पदोन्नति पर नियुक्ति की है। राज्य के शिक्षा सेवा गठ प्रशासन शाखा के शिक्षा अधिकारी के दसम इस पद पर पदोन्नति को लेकर स्कूली शिक्षा और खेल विभाग ने तारीख 23 फरवरी 2022 बुधवार को एक यादी घोषित की है। उसी में ज्येष्ठता के तहत और गुणवत्ता के अनुसार पदोन्नति से नियुक्तियाँ किए गए हैं। परभनी जिला परिषद के तहत खाली रहने वाले प्राइमरी शिक्षा अधिकारी पद पर विठल भुसारे इनकी ओपन ग्रुप से नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति पर, विठल भुसारे की इस नियुक्ति पर कुछ स्कूलों में खुशी तो कुछ स्कूलों के टीचरों में गम महसूस हो रहा है, क्योंकि पिछले बारे को उन्होंने जो यहाँ पर पद संभाला था उस समय दलाल उनके साथ ही फिरा करते थे और उसमें धांधलियां मची हुई थी। इस बार ओपन ग्रुप से नियुक्त किए गए विठल भुसारे इस अपने शिक्षा अधिकारी की गरिमा को किस तरह से रखते हैं, यह आने वाला समय ही बताएगा। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update. मलिक इनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने पर परभनी जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिला कलेक्टर को आज तारीख 24 फरवरी 2022 के रोज निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि कई दिनों से ईसीबी मुंबई के तत्कालीन संचालक समीर दाऊद वानखेड़े इनके भ्रष्ट कारोबार को खुला करने पर, वानखेड़े के ये बीजेपी के पुरस्कृत अधिकारी होने से केंद्र की सरकार नवाब मलिक पर ये ईडी की कार्रवाई जानबूझकर कर रही है, उसका निषेध दर्शाते हुए ये बर्ताव भारतीय राज्य घटना और फेडरलिज्म के भावनाओं के खिलाफ रहते हुए इस मामले से संवैधानिक दृष्टि से केंद्र का महत्व बढ़ने वाला नहीं है, परंतु राज्य और संघ में दूरियां निर्माण होंगे, इसलिए समूचे कार्रवाई का तीव्र निषेध दर्शाया। इस निवेदन पर जिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस के शेर खान, अब्दुल जलील पटेल, शेख वसीम, शेख इनातुल्ला, मोहम्मद अनिस खान, अशफाक सिद्दीकी, शेख यूसुफ, सरफराज खान, डॉक्टर यूनुस आघाड़ी के साथ अन्य लोगों के हस्ताक्षर मौजूद है। इरफान भैया मित्र मंडल की जानिब से इरफान भैया का जन्मदिन विविध सामाजिक उपक्रम के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। परभनी शहर के इरफान भैया मित्र मंडल ने इरफान भैया के जन्मदिन पर लगातार 5 दिनों से सामाजिक उपक्रम लेकर वार्ड के आम नागरिकों को हर तरह से सहायता करने का और प्रभाग के लड़कियों के और महिलाओं को खासतौर पर कला को विकसित करने हेतु प्रोग्रामों का आयोजन किया, जिसमें 19 फरवरी के रोज शासन के विविध योजनाओं के प्रमाण पत्र कार्ड और उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस भी आयोजन किया गया था, तो 20 फरवरी को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, 21 तारीख को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और 22 तारीख को जरूरतमंदों को अनाज की किट बांटे गए। तो 23 फरवरी को इरफान भैया का जन्मदिन होने से तमाम उन प्रतियोगिता में कामयाब हुए स्पर्धकों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उसी में पत्रकारों को भी सम्मान किया गया, जिसमें पत्रकार प्रभुदीप के सैयद अखिल, महानगर के शेख मुदस्सिर, मोइन खान, महमूद खान, लक्ष्मण मानुलिकर, धारासी भुसारे, बाला साहेब काले, कलीम खुरैशी आदि को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। रात 8 बजे इरफान भैया के चाहने वालों ने वहाँ पर केक कोका और पुष्पमालाओं से धूम मचाई। इस समय युवा नेता अली खान, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता अतीकुर रहमान के साथ वार्ड के इलाके के युवक, महिलाओं ने और नागरिकों ने बड़ी संख्या में इरफान भैया को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए दुआओं से नवाजा। लगातार चढ़े 5 दिनों के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए काजल भुसारे, अजय पारदे, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद मोइन भाई, रफत भाई, मोहम्मद आवेद, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद मुजम्मिल उर्फ पप्पू, शेख जावेद, शेख रहीम मामू, शेख अहमद, आकाश जाधव, जग्गू मोरे, अजय देशमुख, बुढ़न देश छत्रपति, बोराड़े भुसारे, सोनोने, अजहर इनामदार, शेख अफरोज, राहुल शिंदे, जुनेद कादरी, शोएब इनामदार, अजय पारदे, मुन्ना भाई, शेख समीर, अशफाक सर, मोहम्मद यासीन, मुजाहिद खान, सतीश अड़चने के साथ बड़ी पैमाने पर इरफान भैया मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मेहनत ली। तमाम 5 दिनों के कार्यक्रम के आयोजक इमरान रूबी ये थे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नमस्कार, परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज इरफान भैया मित्र मंडल की जानिब से इरफान भाई का 23 फरवरी के रोज़ जन्मदिन मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसके पीछे मार्गदर्शक पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख, हमारे गट नेता मनपा के जाकिर लाला, उसी के साथ नौजवानों की धड़कन अली अहमद खान, हमारे अली बाबा, इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर उन लोगों को मार्गदर्शन करते हुए यहाँ पर तकरीबन 5 दिन का कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम के रूपरेखा किस तरह रही और कैसे कामयाब रहे कार्यक्रम, आइए हम अली खान से जानते हैं। यहाँ पे जो 5 दिन के प्रोग्राम रखे गए थे 19
फरवरी से, तो हमने जो श्रम कार्ड और राज्य शासन के स्टेट गवर्नमेंट के जो फैसिलिटी है पूरी यहाँ तक पहुँचाई है, और जो आर टी ऑफिस में लर्निंग लेसन के लिए दलाल बहुत लूट मार कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे जब हमने एक फैसिलिटी कैंप रखकर इरफान भैया मित्र मंडल की तरफ से जी, फ्री ऑफ चार्ज में इरफान भैया मित्र मंडल की तरफ से बना के दिए है ज़रूरतमंद लोगों को, और जो दवाखाने का मेडिकल कैंप आरोग्य कैंप रखेगा वो भी एक ज़रूरतमंद लोग यहाँ के जो हकदार थे वो लोग आगे आए, मुफ्त वार्डअप किए गए, और इसका आगो का हॉस्पिटल था बच्चों का, सारे बहुत डॉक्टर यहाँ मौजूद अवेलेबल थे, तकरीबन जो फैसिलिटी पूरी दी गई, और जो बड़े प्रॉब्लम थे उनका भी हमने इंतज़ाम किया है इरफान भैया मित्र मंडल की तरफ से, वो हॉस्पिटल में उनको जिसे सिविल हॉस्पिटल जैसा उदगीर का हॉस्पिटल आग होगा वहाँ तक हमने पहुँचाने का उनका बंदोबस्त भी किया है, और जिस तरह से यहाँ के जिस लोग आए हमने उनका पूरा तरीके से बंदोबस्त किया, और इरफान भैया को मित्र मंडल की तरफ से हर फैसिलिटी, 5 दिन का जो कैंप चला अल्लाह के फजल से वो कामयाब रहा, और सभी यहाँ के नौजवान बच्चों ने मिलकर और हमारे दोस्त इमरान हाजी साहब मिलकर मेन यहाँ का कैंप चलाया, और अल्लाह के फजल से ये सक्सेस हुआ। सितारों से सजा आसमान होगा, हर जहाँ में आपका सम्मान होगा, जन्मदिन पर यही दुआ है आपके, आप जो भी करो काम वो काम महान होगा। इस तरीके से आपने जो है तो यहाँ 5 दिन का काम किया, और 5 दिन का काम यहाँ के सलम एरिए के जो लोग ज़रूरतमंद थे उन्हें किट भी बांटी गई, और आरोग्य शिविर का जैसा हमारे अली खान ने बताया कि आरोग्य शिविर का बड़ा प्रोग्राम लिया गया, और उसी के साथ साथ आपने जो यहाँ पर रंगोली की स्पर्धा ली गई, एक हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमनी तहजीब बताई, इस बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताइए कि आपके जन्मदिन पर ये मार्गदर्शन के अंदर जो काम किया गया इसका पूरा तफसीलवार आपके इरफान भाई मित्र मंडल की जानिब से हमारे व्यूअर्स और दर्शक जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब। ऐसा इरफान भैया मित्र मंडल के सभी मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बड़े भाई अली खान भैया, हमारे मार्गदर्शक प्रताप भैया, और हम मेरे बड़े भाई जाकिर अहमद खान साहब, इन लोगों के नेतृत्व में ये प्रोग्राम 5 दिन के रखे गए थे, जो अल्लाह के फजलो करम से सक्सेसफुल रहे, और इस 5ों प्रोग्राम का पूरे लोगों ने भरपूर फ़ायदा लिया। जैसा अभी अली खान ने बताया कि कुछ आँखों के पेशेंट हैं तो उनको हम उदगीर या लायंस क्लब में ट्राई कर रहे हैं, और बाकी किसी के हार्ट के डिसीज़ थे, किसी का आँखों का डिसीज़ था, ये सब चीज़ों को हम अभी फॉलोअप लेना चालू है। और जैसा हमने लोगों के ई श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड जो बनाए थे पहले 19 तारीख को, उन लोगों के आज दोपहर में कार्ड वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट सबको पहुंच चुके हैं, और बहुत से लोगों के मसले मसलते अभी उसके ऊपर भी काम चालू है। और मैं मेरे इरफान या मित्र मंडल के सभी दोस्तों का तहे दिल से, मेरे पूरे ख़ानदान वालों का, पूरे दोस्तों का, मेरे बड़े भाइयों का, पूरे रिश्तेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ऐसे ही हम सब मिलके आगे जहाँ भी जिसी को भी जो भी कुछ काम है हमें बोलिए, हम बिल्कुल इंशाल्लाह हम जितना हो सकता है उतना करेंगे। समाज का कुछ देना लगता है, इस सामाजिक भावना से गोपाल फाउंडेशन की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्र संत गाड़गे बाबा इनके जयंती पर परभणी शहर के गुड़ा माधव इलाके में बड़े पैमाने पर जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिव व्याख्याता के तौर पर सुभाष ढगे सर, जूनियर लक्ष्मीकांत बेर्डे, धर्मराज होलिये, बाल शिव व्याख्याति आरोही खंदारे, मन धालय बाजिल फेम या सांची भोयर इनकी प्रमुख आकर्षण के तौर पर हाजिरी रही। इस कार्यक्रम में जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन और छात्राओं को स्कूली सामग्री बांटी गई। इस समय शिक्षा अधिकारी विठलराव भुसारे, एडवोकेट पवन निकम, प्रदीप भालेराव, दिलीप गिराम इनकी प्रमुख उपस्थिति थी। इस कार्यक्रम का आयोजन गोपाला फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष खराटे, कृष्णा दामू, के विठल राउत, अभिषेक शिंदे, चंद्रकांत गोरे, मंगेश शिंदे, बालाजी खिस्ते, प्रहलाद मुळे, श्याम मुळे, बाळासाहेब मुळे, मनोज शिंदे, विष्णु अंबोरे आदि ने मेहनत ली। तेव्हा तू अशील कसा परत ये, तुझा पत्ता धनाजीराव बेवारसे, होळकर बंगला, चिराग नगर, कोल्हापूर। संत गाडगे बाबा व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त गरजू महिलेला शिलाई मशीन व गरजू विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वाटप करण्यात आले, व इथे सर्व मान्यवरांनी येऊन जे विशेष म्हणजे आमचे मित्र धर्मराज भुलिया, जुनियर लक्ष्मीकांत बेर्डे हे आले, त्यांनी उपस्थिती मानली, खूप
आमची एक छोटी टॉपस्टार साची भोयर हीसुद्धा इथे येऊन उपस्थित मानली. आमची सुव्याख्याता छोटी रोहिणी खंदारे ताई हिनेसुद्धा उपस्थिती मांडली. सर्वांचं सर्व उघडा महादेव परिसरातील सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो आणि कार्यक्रम संपला म्हणून. नमस्कार मित्रांनो, मी आपला जुने लक्षा लाडका लक्षा म्हणजे धनराज जुनी आहे. मित्रांनो, आज मी परभणी शहरात आलो होतो गोपाला फाउंडेशनच्या वतीनं. जो एक कार्यक्रम घेण्यात आला संतोषदादा खराटे यांच्या वतीने, खूप सुंदर असा स्तुत्य असा उपक्रम आहे. सर्व गरजू महिलांना शिलाई वाटप करण्यात आली आणि शालेय विद्यार्थ्यांना साहित्य वाटप करण्यात आलं. आजच्या काळाची गरज लक्षात घेता संतोषदादा जे कार्य करतात, मी त्यांचं खरंच आभारी व्यक्त करतो आणि अभिनंदन व्यक्त करतो. असेच पुढे की दादांनी असेच पुढे कार्यक्रम सतत घेत राहावं आणि आम्ही सतत दादासोबत. मंडप डेकोरेशन के दामों में 25% बढ़ोतरी की सम्मेलन में घोषणा. आज तारीख 24 फरवरी 2022 गुरुवार के रोज ऑल महाराष्ट्र टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संलग्न परभणी जिला मंडप एसोसिएशन द्वारा सदस्य सम्मेलन का आयोजन परभणी के बसमत रोड स्थित अक्षता मंगल कार्यालय में दोपहर 1 बजे आयोजित किया गया. सम्मेलन के अध्यक्ष स्थान पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन दड़ूसेठ पुरोहित ये थे, तो उद्घाटक के तौर पर सचिव महाराष्ट्र प्रभारी विजय सिंह परदेसी, प्रमुख अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अनुरोधीन महाराष्ट्र सह सचिव राज गोडबोले, कोषाध्यक्ष आशीष नेरलकर, औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष विजय शिंदे, बीड के विलासराव शिंदे, हिंगोली के नागेश देवके, सुरेश लोत, नांदेड़ के अनिल कांबड़े के साथ अन्य मान्यगण मंच पर हाजिर थे. इस समय सभी के सम्मति से मंडप डेकोरेशन के दामों में 25% बढ़ोतरी की घोषणा दर पत्रक का विमोचन कर की गई. कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया. आए हुए मान्यगणों का सत्कार जिला अध्यक्ष विनायुद्दीन फारूखी, शंकर राव तोड़कर, मोहम्मद रफत भाई, जवाहर पदम गिरवार, दीपक अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल, बब्बू भाई, यासीन खान, मोहम्मद जावेद नाथ, सत्तार खान, तजम्मुल भाई, अलीम भाई, जावेद भाई, इमरान भाई, शेख इफ्तिखार आदि ने किया. उसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष का सत्कार भी तहसील के कुमाऊ सेठ मानवत, गजानन देशमुख जिंतू, शिवाजी राव मगर पाथरी, शंकरलाल राजपूत पूर्णा, चादुल्ला भाई गंगाखेड़, खलील भाई सेलू आदि ने किया. इस समय परभणी के ज्येष्ठ मंडप व्यापारी पुरुषोत्तम पदमगिरवार, पांडुरंग बागल, आबा टाकलकर इनका सत्कार मान्यगणों के हाथों किया गया. कार्यक्रम का प्रस्तावित जिला अध्यक्ष विनायुद्दीन फारूखी ने किया तो संचालन शेख इफ्तिखार ने किया तो मनोगत शंकर राव तोड़कर ने किया. आए हुए सभी मान्यगणों का आभार गोविंद सेठ अग्रवाल ने माना. कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान से की गई. इस समय कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए मुखीद अंसारी, रॉयल डायमार के मुइन बिलाल, शेख रफीक सेवा, सत्तार खान के साथ जिले के सभी पदाधिकारी सदस्यों ने मेहनत ली. परभणी के आज 24 फरवरी के रोज एक मंडप एसोसिएशन मंडप वालों के लिए मंडप डेकोरेशन, टेंट हाउस, बाजे वाले, फुलारी, इन समाज लोगों के लिए एक खुशखबरी का और एक अच्छा संदेश रहा है. आज 24 फरवरी के रोज अक्षता मंगल कार्यालय में सदस्य नोंदनी मंडप एसोसिएशन की ओर से सभी इन सदस्यों का अभियान किया गया और इसमें मेलावे में ये बात बताई गई कि अध्यक्ष रामकिशन जी पुरोहित दड़ू से इन्होंने आज यहाँ पर संदेश दिया है और जो 3 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पर रहा, उन 3 सूत्री कार्यक्रम किस तरह से रहा और क्या क्या यहाँ पर उन्होंने आज संदेश दिया उन लोगों को, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं. ऑल इंडिया टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऑल महाराष्ट्र टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आज हम महाराष्ट्र के अंदर 35 जिलों में हमारी एसोसिएशन की स्थापना गए 4 वर्षों में हुई, वैसे ही तालुकों में भी हुई और हर खेड़े में भी आज हमारी एसोसिएशन की स्थापना हुई. गत 2 वर्षों में जो हमारी इंडस्ट्री पे मार पड़ी है, शायद ही और कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर इतनी मार पड़ी है, लेकिन ऐसे समय भी हमारे व्यापारियों ने हिम्मत से काम लेकर आज फिर से खड़े होने की समय आई है. गत 2 वर्षों में हमारे 18 लोगों ने आत्महत्या की, जो हमारे लिए दुर्दैवी घटना है, जो नहीं होनी चाहिए. ऐसे कारण की वजह से हमको आज हम हर जगह मेलावे ले रहे हैं और हमारे व्यापारियों को हिम्मत देने का हम काम कर रहे हैं. हर जिले के अंदर ये मेलावे का आयोजन होने जा रहा है और सभी को ऐसे हिम्मत देने का काम कर रहे हैं कि इस तरह के कोई काम न करें आत्महत्या वगैरह का. ये आज हमारा अच्छा समय फिर से शुरू हो रहा है और उसके साथ ही साथ हमारी और भी जो भी योजनाएं हमारे व्यवसाय के अंदर, जैसे कि आज हमारा लघु उद्योग के अंतर्गत हमारा समावेश हुआ है, जैसे MSME के अंदर आज हमें लोन का भी प्रावधान किया गया है.
दूसरी बात है, हर हमारे व्यवसाय ने इंश्योरेंस कराना चाहिए, गोडाउन का, खुद का, मजदूरी का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए। इस बात पर भी हमने आज जोर दिया। अगली बात कि आने वाला समय हमारा अच्छा है, तो गत दो वर्षों में जो हमारी क्षति हुई है वो पूर्ति करने के लिए हमारा समय आया हुआ। सभी लोगों ने अच्छे दर लेकर, अच्छे रेट लेकर काम करना चाहिए, ज़्यादा कंपटीशन ना करें, इसके लिए आज हमने ये मेला आयोजित किया। आपको हम ये बात बताना चाहते हैं हमारे माध्यम से कि आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर इस तरह से हो रहा है कि जिला लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी बात हो रही है किचन पानी जो रेट को लेकर, और उसमें कई ऐसे घर है जो पूरे बर्बाद हो चुके हैं, व्यवसाय पूरे खत्म हो चुके हैं। इसके बारे में आपने इसके पहले भी संदेश दिया था, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से जो काम किए जाते हैं उनके जो बिलें रुक जाती हैं, उसके बारे में हमारे उन भाइयों को आप क्या संदेश देंगे? अंदर ऐसा है कि जो गवर्नमेंट के काम करते हैं वह अपना MSME के अंदर जो उद्योग आधार में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिसकी वजह से जिनके भी बिल रुके हुए हैं वो 45 दिन में उनको देना ही होगा, ऐसा प्रावधान MSME में किया गया है। तो सभी लोगों का हमने आह्वान किया है कि जो जो लोग गवर्नमेंट का काम करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन MSME में करें, ताकि आपका जो बिल है रुका हुआ या जो भी है 45 दिन में आपको जरूर मिलेगा, उसके अंदर ऐसा प्रावधान है। जो कार्यक्रम जो परवनी जिले में लिया गया मराठवाड़े के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर से पहला प्रोग्राम जो परवनी जिले में लिया गया, इससे पहले भी ऑनलाइन सदस्य नोंदणी की भी जो थी वो प्रक्रिया भी परवनी से शुरू हुई थी। परवनी जिले को किस तरह से देखा गया? आज परवनी जिले में आपने देखा है कि 935 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है एसोसिएशन का, और आगे भी रजिस्ट्रेशन का काम चालू है। और उस तहत आज हमने यहाँ पर मेवा लिया, और मेवा के अंदर आपने देखा है कि सब संगठित थे लोग, आज भारी संख्या में हमारे पास उपस्थिति थी कि एसोसिएशन का महत्व क्या है ये सबको मालूम हुआ, संगठन क्यों होना चाहिए, संगठित रहने का वजह क्या है, ये सबको मालूम होने की वजह से आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और अच्छी तरह से यशस्वी आज का ये मेवा हुआ। ये मैं जाहिर परदेशी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए, हम परदेश सर से पूछेंगे कि महाराष्ट्र लेवल पर उन्होंने सचिव और यहाँ पर रहने की वजह से कि भाई जिस तरीके से जिला लेवल पे काम हो रहा है उस तरीके से महाराष्ट्र के लेवल स्टेट बॉडी पे काम हो रहा है। सर परदेश सर हमको ये बात बताइए कि जहाँ मराठवाड़े के अंदर परवनी जिला और इस तरीके से भीड़ के अंदर हादसा हुआ है, और वो भीड़ के लिए एक व्यवसायी जो तो अपने आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, उस समय हमने संगठन ने किस तरह से समर्थन किया और किस तरह से हाथ मजबूत किया? भीड़ जिले में एक तालुका में जो तलाटी जो मैडम है उन्होंने बिल देने से उनको इनकार कर दिया और बिल के लिए सता रहे थे, बाद में वो लॉकडाउन के इसमें कोरोना पीरियड में काम कर रहे थे, वो पेमेंट देने को जो जाके चक्रा मारने के बाद उसको देने को तैयार नहीं थे। तो 26 जनवरी के दिन उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश करा, जो पेट्रोल डाल के आग पे ये करा, डालने के बाद भी उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, उसके ऊपर ही गुनाह दाखिल कर रहे थे। तो हमारे जो बीड जिले के अध्यक्ष और वो तालुका अध्यक्ष और जो अपने सभासद मेंबर मिलके वहाँ गए, पुलिस स्टेशन गए और तलाटी मैडम को मिले, उनको प्रेशर डालने से इतना फर्क गिरा कि वो केस नहीं करे उनके ऊपर, और उनके दो दिन में चेक देके उनका पेमेंट भी कर दिए। ये संगठना रहने से ये पैसे मिले और केस भी नहीं हुई। संगठना का ये जुड़ने का एक फायदा है कि आपको कोई भी अपना काम नहीं होने वाला वो भी हो जाता है। सर पिछले महीने नांदेड़ जिले में एक व्यवसायी ने आत्महत्या की आपकी बिरादरी के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नांदेड़ जिले के मुटखेड़ तालुका अध्यक्ष बोलकर हमारे जो सभासद थे गौतम नरवाड़े जी, उन्होंने सुबह वॉकिंग को निकले थे, उनका क्या एक्सीडेंट बोलो या सुसाइड बोलो, जो एक छोटे से पानी के ड्रम में उनका सुबह में मरे सो मिले सो है। तो उनके घर की परिस्थिति ऐसी खराब हो गई कि वो लॉकडाउन में दो साल में उनका कारोबार टोटली चला नहीं, तो वो घर का कर्जा डाला के वो चलाए कैसा करें, तो वो कर्जे से उन्हें तंग आ गए थे। तो वो कोई बोलते हैं कि सुसाइड कर दिया, कोई मारे, ये तो अभी तक तो मालूम नहीं पोस्टमार्टम में, पर आपने हमारे जो संगठन के जो सभी पदाधिकारी मिलकर आज उनको आर्थिक मदद करने की तैयारी करें, और कल के डेट में उनके घर पे जाकर कुछ हमारे फूल ने फूल की पगड़ी समझ के 1.5 लाख रुपए के करीब, डेढ़ के ऊपर भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, कल जाकर देने वाले उनको, कल 2 बजे उनके घर पे पेमेंट देने वाले हैं, हमारे संगठन की तरफ से आर्थिक मदद बोल के दे रहे हैं उनको। जिस तरह कवि का कहना है, जीना है नाम उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना, उस तरह संगठन जिस तरह से एक व्यवसायिक अगर से खत्म हो रहा है, उस तरह परिवार का जो मेन कर्ता अगर खत्म होता है तो उसके लिए किस तरह से मदद की जाती है आर्थिक, ये भी हमको यहाँ पर सुनने को मिलता है। मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया,
आज परवनी जिले में जिला अध्यक्ष मुराजिन फारूकी इन्होंने यहाँ पर जो आज मेलावा लिया है इसके पीछे की रूपरेखा और किस तरह से बड़ों का मार्गदर्शन था इस बारे में हमारे हमने जो सदस्य मेलावा लिए वो हमारे दरू से और हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन के पूरी टीम की मेहनत थी और उन्होंने बोला है हमको कि भाई ये जो दूसरे ज़िलों में लोग आत्मदहन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका पर्याय क्या करेंगे, तो एक हर शहर में मेलावा ले, वो मेलावे में हम लोगों को समुदित करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये चीज़ गलत है और कैस किस ढंग से कितने अच्छे तरीके से हम काम कर सकते मिलजुल के। इसलिए हमने ये आज मेलावा लिया और हमारे पूरी महाराष्ट्र की बॉडी थी, उन्होंने अच्छे तरीके से सब लोगों को समझाया और ये मेलावा अच्छे से अच्छा हमें जैसा एक उंगली हमारी कुछ नहीं कर सकती, मुट्ठी बन जाए तो सब कुछ हासिल हो सकता है, इनकलाब आ सकता है, यही इस मेलावे का संदेश रहा। जब हम एक जो मंडप वाले और तमाम कारोबार वाले जिससे जुड़े हुए हैं वो एकजुट होकर अपने कार्य को जुड़े रहे और अपनी फीस कम ना करते हुए एक जैती से वो अदायगी करे, इस तरह से आज उनका दर पत्रक भी जो जाहिर किया गया उस जाहिर किया गया को किस तरीके से आप यहाँ के दुकानदार और उसी तरह ग्राहक किस तरीके से आप इसको ये करेगा रिस्पॉन्स देगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज हमारे जो यहाँ पर मेला हुआ कि हमने जो बैठ लिए मुलाकात लिए वो आप लोगों को किस तरह पसंद आई है इस पर कमेंट आपके होना जरूरी है। हमारे न्यूज़ आपको ये पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। एलसीबी पथक ने 2 तलवारों और 5 खंजर के साथ एक को किया गिरफ्तार। शहर के सकला फ्लाट पर एलसीबी के पथक ने कार्रवाई करते हुए एक घर से 2 तलवारों और 5 खंजर के ऐसा हथियारों का जखीरा जब्त किया है। अपराधी के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। ये कार्रवाई 23 फरवरी बुधवार के रोज सुबह के दरमियान की गई है। एलसीबी का पथक अवैध धंधों की जानकारी हेतु कोतवाली पुलिस थाने के हद में गश्त करते समय एलसीबी पथक को सकला फ्लाट में एक युवक अपने घर में अवैध हथियारों का जखीरा जमा किया है ऐसी जानकारी मिलने पर आज उसी जानकारी के तहत पथक ने शेख वकी शेख शमशुद्दीन इस युवक को हिरासत में लेते हुए उसकी तलाशी लेने पर एक खंजर प्राप्त हुआ। भरोसे में लेकर पूछताछ करने पर उसने घर में पलंग के गादी के नीचे घातक हथियार छुपा कर रखने की जानकारी दी। उसी जानकारी के तहत एलसीबी पथक ने घर की छानबीन की, घर के पलंग गादी के नीचे 2 तलवारें और 5 खंजर ऐसे घातक हथियार प्राप्त हुए। पथक ने शेख वकी शेख शमशुद्दीन इसे हिरासत में लेते हुए कोतवाली पुलिस थाने में अपराधी के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच एपीआई रामेश्वर तुलनर कर रहे हैं। न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।